हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद खुशबू। तो फ्रेंड्स, आज मैं लाई हूँ आपके लिए पाव भाजी की बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी। तो यूँ तो हम अक्सर पाव भाजी मार्केट से खाते रहते हैं, लेकिन आज हम बहुत ही इजी तरीके से घर पर ही बनाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, मैंने ये प्याज, लहसुन और हरी मिर्च को बारीक काट लिया है। थोड़े से मैंने गाजर को बारीक काट लिया है। दो उबले हुए मैंने आलू लिए हैं। साथ में कुछ सब्जियां हैं, जैसे गोभी हो गई, बंद गोभी हो गई और शिमला मिर्च है, इनको मैंने बारीक काट लिया है। थोड़ी सी मैंने मटर ले ली है। तीन टमाटर को चॉप कर लिया है। आप पेस्ट भी बना सकते हैं। तो इतनी ही चीज़ों की हमें ज़रूरत है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, मैंने ये कुकर लिया है। तो इसके अंदर हम जो भी सब्जियां हैं हमारी, उनको हम सॉफ्ट कर लेंगे, क्योंकि पाव भाजी में तो सब्जियां बहुत सॉफ्ट होती हैं, एकदम से मैशी चाहिए होती हैं। तो कम से कम एक गिलास के करीब मैंने पानी डाल दिया है। तो पानी हमें ज़्यादा नहीं डालना है। और पहले मैंने मटर डाल दी है, फिर मैंने गाजर डाल दी है, और इसके बाद जो हमारे पास पत्ता गोभी है, गोभी है और शिमला मिर्च, उसको भी डाल देंगे। तो पानी हमें इसलिए कम डालना होता है क्योंकि वेजिटेबल्स में तो पानी खुद का भी होता है, और ज़्यादा पानी डालेंगे तो फिर इसमें हमें मसाले भी ऐड करने हैं, तो उनको तो हम अलग पानी को निकाल नहीं सकते। तो कम से कम पानी आप रखें, क्योंकि हमें इसमें 2 से 3 विसल ही लगानी है, और बाद में हम पानी से अलग इसको बहुत मैश कर लेंगे, और उस पानी को हम पाव भाजी का मसाला बनाने में यूज़ करेंगे। ये पाव भाजी का मसाला है। तो 1 चम्मच भर के मैं पाव भाजी का मसाला डाल रही हूँ। साथ में हल्दी का पाउडर डाल देंगे, ये है कश्मीरी लाल मिर्च, और इस सब को मिक्स करते हुए हम 2 से 3 विसल लगा लेंगे। नमक मैं अभी नहीं डाल रही हूँ। तो नमक हम डालेंगे जब पाव भाजी का मसाला तैयार करेंगे। जब तो ये मैंने कुकर की लीड लगा दी है और 2 से 3 विसल लगा के देख लेते हैं। तो फ्रेंड, 2 से 3 विसल लगाने के बाद हम देख लेते हैं कि हमारी सब्जियाँ सॉफ्ट हुई या नहीं हुई हैं। तो इस तरह से ये मैंने लीड हटा दी है, तो इसको स्पैचुला से चलाकर हम देखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए सारी सब्जियां सॉफ्ट हो गई हैं, और बाकी हम इसको, पोटैटो मैशर हो आपके पास या मेरे पास ये स्पैचुला है, इसी से मैं इसको प्रेस करूंगी। सब्जियां हमारी बहुत सॉफ्ट हो गई हैं। देखिए, पानी मैंने बहुत कम डाला था, तो सब्जी मैंने अलग कर ली है और पानी मैंने अलग निकाल लिया है। तो इसको आप अच्छे से, मैं इसे करछी से प्रेस कर रही हूँ। सारी सब्जियों को बिल्कुल आप एकदम मैशी कर लें, क्योंकि आप जो भी पाव भाजी आपने खाई होगी तो सब्जियां उसमें बिल्कुल भी नहीं दिखाई देती। तो इस तरह से मैश, देखिए मैंने सारे सबको मैश कर लिया है। साथ में ही मैंने ये 2 आलू आपको दिखाए थे, उनको मैंने मैश कर लिया है। तो आलू भी इसमें ज़रूर डालते हैं। तो अब हम इसका मसाला बना लेते हैं। तो गैस पे मैंने पैन रख दिया है। पैन में मैंने रिफाइंड ऑयल और बटर दोनों को ही डाल दिया है। साथ में मैंने डाला है जीरा पाउडर, जीरा है, और हरी मिर्च, लहसुन और प्याज को। अब इसको हम 2 से 3 मिनट तक बहुत अच्छे से सॉफ्ट कर लेंगे। तो फ्रेंड, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बड़ा पैन हो या बड़ी कढ़ाई हो मार्केट वाली, तो ही हम पाव भाजी बनाएंगे। आप घर में इसको कढ़ाई में भी बना सकते हैं। 1/2 चम्मच मैंने हल्दी पाउडर डाला है, 1 चम्मच पाव भाजी का मसाला, और 1 चम्मच नमक, और 1 चम्मच लाल मिर्ची, 1 चम्मच मैंने पिसी धनिया डाल दी है। अब मैं वही पानी यूज़ कर रही हूँ जिसमें सब्जियों को हमने 2-3 विसल लगाई थी कुकर में डालकर। इससे क्या होगा कि इसका टेस्ट और अच्छा आएगा, क्योंकि सब्जियों का जितना भी इसमें पानी है वो सारा इसी के अंदर है। तो ये देखिए, 3 से 4 मिनट तक सबको धीरे धीरे मिक्स करते हुए हम बहुत अच्छा सा इसका मसाला भून लेंगे, जब तक कि हमारे टमाटर सारे सॉफ्ट ना हो जाए। ऊपर से मैंने धनिया डाल दी है। 2 मिनट इसकी लीड लगा देंगे और इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर ही हम इसका मसाला भुनेंगे। तो इस तरह से स्पैचुला से आप इसको प्रेस कर दीजिए। तो आप टमाटर को ग्राइंड भी कर सकते हैं। अब जितनी भी सब्जियां हैं, मैंने इसको सबको बिल्कुल मैश कर ली थी, तो उसको धीरे धीरे इस पर डालकर दोनों साइडों से इसको चलाते हुए हम सबको मसाले में मिक्स कर देंगे। याद रखें कि आपको गैस की जो फ्लेम है उसको बिल्कुल स्लो कर देना है। धीरे धीरे पकेगी तो टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो मैंने बिल्कुल गैस को स्लो कर रखा है और इसको इसी तरह से मैं पकने दूँगी। अब हम आलू मिक्स कर देते हैं। तो दो बड़े आलू मैंने लिए थे, जितनी आपको ज़रूरत लगे आप उतना मिक्स करिए इसमें। तो ये देखिए, इसको भी साइडों से चलाते हुए सारी ही सब्जी के अंदर मिक्स कर देंगे और इसको थोड़ी देर के लिए हम छोड़ देंगे। 4 से 5 मिनट तक बहुत अच्छे से इसको पकाना है।
जिसका इससे का इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। ऊपर से धनिया डाल दीजिए और ये देखिए पाव भाजी हमारी रेडी हो गई है। चलिए अब जो हमारे पाव है उनको सेक लेते हैं। तो एक तवे पर मैंने बटर डाल दिया है, साथ में मैंने चिली पेस्ट डाली है और साथ में हम हरा धनिया डाल देंगे। तो फ्रेंड्स ये मैंने पेस्ट जो है ये मैंने खुद बनाई है। ये साबुत लाल मिर्चें है, लहसुन और नमक को मैंने मिक्सी में ग्राइंड कर लिया था। आप जो मार्केट वाली होती है चिली पेस्ट है या टमाटो सॉस, आप उन दोनों में से कुछ भी डाल सकते हैं। अब मैं पाव डालकर इसको अच्छे से सेक रही हूँ। तो आपने देखा होगा कि मार्केट में भी जो पाव मिलते हैं उसको ये लोग एक बहुत ही अच्छी तरीके से इसमें मसाला लगाते हैं, तभी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, वरना पाव हमारे फीके फीके लगेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए हमारे पाव रेडी हो गए हैं, हमारी भाजी रेडी हो गई है। चलिए सर्व कर लेते हैं। तो आप भी इसको एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिए। आपने यूँ तो मार्केट में हजारों बार खाई होगी, लेकिन आज हम घर पे बनाएंगे इसको। बहुत ही सिंपल तरीके से बनकर रेडी हो जाती है और घर में जो नहीं भी सब्जी खाते हैं तो वो सब सब्जी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। तो बच्चे हों बड़े हों इसी तरह से सारी सब्जियों को वो खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ। तो आप इसको एक बार ट्राई करके ज़रूर देखें, ये बहुत टेस्टी लगती है। तो आप इसको कब बना रहे हैं मुझे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।